सुपौल के पूर्व विधायक के बेटे को चोरी, राहजनी और शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ राकेश कुमार नाम का शख्स एक पूर्व विधायक का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस ने सुपौल और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इधर कुछ वक्त से सुपौल में चोरी, राहजनी और शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। चोरी और शराब तस्करी की बढ़ती वारदात पर सुपौल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सुपौल के एसपी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 8 शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल स्कूल में हुई चोरी के केस की जांच कर रही थी, तभी इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो और एक टीवी सहित चोरी की गई अन्य सामान भी बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि ये गिरोह स्कूल के कंप्यूटर को निशाना बनाते थे। एक चोरी का एक बड़ा गैंग है, उसमें 8 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये चोरी का गैंग मूलतः स्कूलों को टारगेट करता है, जहाँ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, बैटरी होते हैं। लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से ये टारगेट करता है, इसका उद्भेदन हो गया है। दूसरा है शराब विक्रेताओं का एक बड़ा गैंग है, जो बंगाल से लाकर के सुपौल और आसपास के जिले में सप्लाई कर रहा था। उसमें 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और एक नया मॉडल है कि इसमें से जो 3 वाहन में शराब पकड़े गए हैं, उसमें से 2 वाहन एम्बुलेंस हैं। एम्बुलेंस को पुलिस से बचने का एक तरीका मान करके लोग इसका उपयोग कर रहा है। इसमें तीसरा बिंदु है कि जो शराब के विक्रेता पकड़े गए हैं वो लूट करता भी हैं। पिछले महीने 66,000 की लूट हुई थी छातापुर में, उसका उद्भेदन हुआ है और उसमें से जो गिरफ्तार हुआ है वो भी शराब तस्कर ही निकला है, तो अन्य की गिरफ्तारी शेष है। ये अपराध और शराब मिला जुला जो ये कहानी सामने आई है, उस पर हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे। वहीं पूर्व एमएलए के बेटे को भी अब कानून का सामना करना पड़ेगा। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से अपराध पर लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आई, जब अपराधियों को पकड़ा गया था उसमें किसी का परिचय सामने नहीं, जब सभी का एक एक करके नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम का खुलासा किया, तो कोई किसी का बेटा हो इसे फर्क नहीं पड़ता है। अपराध अपराध है, जो भी करेगा वो कानून के दायरे में कानून का सामना करेगा, उसको सजा मिलेगी। आखिर इसकी कैसी संलिप्तता होती थी चोरी घटना को अंजाम देने में? हमने बताया कि मॉडस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को स्कूलों में टारगेट कर रहा था और जदिया में स्कूल में चोरी हुई थी, उसी का उद्भेदन पुलिस कर रही थी। और ये गैंग है जो पकड़ा गया है, ये चोरी करने के बाद ये जैसा कि खुलासा किया है सभी माल को बंगाली लोग सप्लाई कर देता था। अभी तक इन लोगों के बारे में क्या पता चल पाया, कहाँ कहाँ ये चोरी की घटना को अंजाम दी है? अभी जो स्वीकार कर रहे हैं इन लोग कि करीब आधे दर्जन जगह जहाँ के नाम लिए कि हमने वहाँ से चोरी किया है, वो डिफरेंट जिलों में है। उन जिलों से, उन घटनास्थलों से हम लोग वेरीफाई करेंगे और उसके बाद है जो इनके खिलाफ प्रमाण सामने आए। पुलिस को लगातार ऐसी मुहिम चलानी चाहिए ताकि आम लोगों को चोरों से निजात मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।